अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ट्विंकल ट्विंस। कैसे हैं आप लोग? सो टुडे वी आर मेकिंग चोकोलावा केक। सो लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स। चॉकलेट बिस्किट्स मैंने ये ले लिए चॉकलेटो, आप कोई और भी ले सकते हैं। देन वी नीड मैदा, बेकिंग पाउडर, मिल्क, कोको पाउडर, शुगर एंड मिल्की चॉकलेट। ओके, then we need this oil, cupcake molds and this spatula and spoons. A bowl, in this bowl we make chocolate. then we need chocolate और अब हम इसे melt कर लेंगे। अभी हमारी chocolate melt हो गई है और अब हम इसके अंदर milk डालते हैं। आपको 1 tablespoon milk चाहिए और आपने इसके अंदर डाल देना और अच्छे से mix कर देना है। अभी इसके अंदर छोटे छोटे लम्ब्स आ रहे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको मिक्स करते रहेंगे। आफ्टर मिक्सिंग इट वी एड मोर मिल्क एंड मिक्स दिस। फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए जितने में हम अपने केक का बैटर बनाते हैं। वी नीड अ बाउल एंड इसमें हम अपने केक का बैटर तैयार करेंगे। जो बिस्किट होंगे वो आप लोगों ने इसमें डालने हैं। हमने अपने यहाँ पे सारे बिस्किट्स इस बाउल के अंदर डाल लिए हैं। यहाँ पे हम 60 ml दूध डाल देंगे और एक और दफ़ा आप लोगों ने टोटल 120 ml दूध इसमें डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अगर दरमियान में हमें और दूध की ज़रूरत हुई तो हम और दूध डाल देंगे। अपने बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम कोको पाउडर और मैदा वगैरह भी मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसमें मैदा डाल लेना है और अब हम इसमें और अपने इंग्रेडिएंट डालते हैं। 2 tablespoon आप लोगों ने इसमें शुगर डाल देनी है। आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं, मैंने 2 tablespoon डाली है। 1.5 teaspoon आप लोगों को चाहिए कोको पाउडर। फिर आपको 1.5 teaspoon इधर बेकिंग पाउडर चाहिए। हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा करके ताकि ऐसे हमारा बैटर फुल रेडी हो जाए। मैंने 2 tablespoon और ऐड कर दिया इसमें और अब हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 tablespoon और ऐड किया इसमें और 1/2 tablespoon हम इसमें मैदा और ऐड करेंगे ऊपर से। देन वी नीड ऑयल, हम 1 teaspoon ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम अपना ऑयल डाल लेते हैं। अपने बैटर को इतना थिक बना लेना है और इसमें थोड़े से लम्स रह गए हैं वो मिक्सिंग के साथ वो भी मिक्स हो जाएंगे और बस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी चॉकलेट गनाज भी रेडी हो गई, आप देख सकते हैं बहुत ही थिक है। पहले इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। न्यू मोल्ड बाय किए हैं और इनके साथ आपको बटर पेपर भी मिलेगा इसके अंदर यूँ रखने के लिए। हमने सेट कर दिया और अब हम इसके ऑयलिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी सी ताकि जो हमारा बैटर होगा वो स्टिक ना हो। अच्छे से सारी जगह पे अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा केक स्टिक ना हो। अब हमारे कप्स में सारी ऑयलिंग हो गई है और अब हम इसमें बैटर डालते हैं। अब हम इसमें अपना बैटर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसमें फिर हम थोड़ी सी गनाच डालते हैं अपने। यहाँ पर अभी हमारा बैटर डल रहा है और अब हम डालेंगे इसमें गनाच। हम इसमें अपनी गनाच डाल देते हैं तो हम इन सब के अंदर अपनी जो हमने चॉकलेट गनाच बनाई थी उसको ऐड कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने चॉकलेट डाल ली है और अब हमने जो बैटर बनाया था उसको हम इसके अंदर थोड़ा सा फिल कर सब में थोड़ा थोड़ा करके हम ऊपर से बैटर डाल देंगे सारों में। हम अपना पतीला इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे, ये प्लेट इसके अंदर रख देंगे और आप लोगों ने पूरी हाई फ्लेम कर लेनी है और इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। ये पतीला प्री हीट हो गया है और अब हम इसमें अपने कपकेक्स रखेंगे। इस पर एक एक करके अपने कपकेक्स रख देंगे। अब हम अपने पतीले को बंद कर लिया है और हम इसको 15 to 20 minutes मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेंगे। तो अब हमारे केक रेडी हो गया है, मैं आपको स्टिक डाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर स्टिक पे आपका जो बैटर है वो
चिपकेगा नहीं, तो इसका मतलब आपके केक बच गए हैं। तो दिखा देती हूँ मैं आपको एक दफा, देखे नहीं चिपक रहा। अब हम अपने कपकेक्स को निकाल लेते हैं। अब हम इस पर आइसिंग कर देंगे और ये हमारा चोको लावा केक बनके रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।